29 सितंबर को प्रियंका गांधी की मीरठ में होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा लेने मीरठ पहुंचे यूपी कांग्रेस कमेटी के रियासी सदर अजय कुमार लल्लू ने महंत नरेंद्र करी महाराज के खुदकशी मामले में अपने तासुरात का इजहार करते हुए यूपी हुकूमत और पुलिस की जानिब से की जा रही कार्रवाई पर सवाल भी उठाया है। अजय कुमार लल्लू ने खुदकशी मामले को मुश्तबा बताते हुए हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच की निगरानी में सीबीआई जांच कराने का भी मुतालबा किया। मेरा सरकार से सवाल है और मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जी, बिना पोस्टमार्टम हुए कैसे सरकार ने यह तय कर दिया कि हत्या है कि आत्महत्या है, जो कि एक गंभीर विषय है, जांच का विषय है। आचार्य नरेंद्र गिरी जी जिनकी अंगुलियों में चोट के निशान थे और लिखने में सक्षम नहीं थे, ऐसा उनके तमाम भक्तजन और उनके अनुयायी और उनके साथ रहने वाले लोग कह रहे हैं। जब वो लिख नहीं सकते थे तो 7 पृष्ठ यानी 14 पन्ने का सुसाइड नोट कैसे लिखा, ये भी एक सवाल है। कोई भी व्यक्ति जब किसी कमरे में होगा या आत्महत्या लगाने के बारे में सोचेगा तो चढ़ने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करेगा, वहां ना स्टूल पाया गया ना कुछ पाया गया, ये भी एक गंभीर सवाल है। जब उन्हें पुलिस की सुरक्षा प्राप्त थी, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उनकी लाश लटकी हुई थी जी, तो बिना सुरक्षा कर्मी आए पुलिस कर्मी आए उनके शव को आनंद फानंद में क्यों उतारा गया, किसने उतारा, यह भी जांच का विषय है। महंत जी घर में रहते थे और उन्होंने उनकी जो घटना स्थल है वह बगल के जहां वो मिलने जुलने का कार्य करते थे वहां की घटना है, यानी वो उतनी रात को किसका इंतजार कर रहे थे, कौन आने वाला था, ये भी एक गंभीर सवाल है। मैं समझता हूं कि पूरी सरकार इस पूरे घटना और तथ्य को घुमाना चाहती है, उनके भक्तजनों ने तमाम उनके अनुयायियों ने यह मांग की है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस समर्थन में है और निश्चित तौर से हमारी उसके साथ जुड़ी हुई सिर्फ एक ही मांग है कि हाई कोर्ट के डिवीजन के देखरेख में, सिटिंग जज के डिवीजन के देखरेख में पूरे घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब बात करें